बॉस लाइफ है, जलना तो पड़ेगा। बिना जले तो कुछ नहीं होता। बिना जले तो एक लकड़ी का टुकड़ा भी आपको हीट नहीं दे सकता। बहुत जलना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो लाइफ में जलना तो बहुत पड़ेगा। लोग आएंगे, बहुत तकलीफ़ देंगे, लेकिन तपिश में तपना तो पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ कमाना है, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो तपना तो पड़ेगा गाइस। एक औसतम उम्र होती है एक बाज की, बाज जिसको हम बोलते हैं द किंग ऑफ बर्ड किंगडम, उसकी एक औसतम उम्र होती है 70 साल। लेकिन 40 साल के बाद बाज एकदम मरी हुई स्थिति में हो जाता है, ना वो ठीक से फ्लाई कर पाता है। उसकी चोंच ऐसी टेढ़ी हो जाती है कि वो अपनी चोंच को बार बार पत्थर पे मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है, ताकि ज़िंदगी उसको एक नई बीक देगी, एक नई चोंच देगी, कि ताकि वो फिर से शिकार पे जा पाए और शिकार को मार पाए, ताकि वो अपना जीवन फिर से बसर कर पाए। उसके लिए उसको इतनी तकलीफ़ होती होगी, ये आप शायद बिलीव भी नहीं कर सकते। और वो इस बिलीफ में अपनी चोंच को बार बार पत्थर पे मारता है कि यू नो कुदरत उसको एक नई चोंच देगी, कि ताकि वो शिकार पे जा पाए। उसके नाखून जिससे वो शिकार को पकड़ता है, जिससे वो शिकार को कैच कर पाता है, वो नाखून भी अपने वो पत्थर पे मार मार के मार मार पे नाखून को भी तोड़ देता है, कि ताकि उसके नए नाखून आए, क्योंकि उसके नाखून पूरे मुड़ जाते हैं, शिकार की ग्रिप पूरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए अपने वो नाखूनों को भी बार बार वो पत्थर पे मारता है। क्या पेन होता होगा गाय। सो गैस, जैसे ही बोलते हैं नो पेन नो गेन, तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है हमको एक बात से, द किंग ऑफ बर्ड किंगडम, कि आपको अगर कोई चीज़ अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा। वो दर्द ही है जो आपको एक ऐसा एहसास दिलाएगा कि आपको आगे जाके फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना है। तो गैस, वी शुड लर्न फ्रॉम द किंग ऑफ बर्ड किंगडम द ईगल, कि बहुत कुछ है लाइफ में, लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। सो बी पॉजिटिव।